नमस्कार, मैं उमेश। आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मऊगंज मिडवे कैफे में पत्रकार वार्ता आयोजित कर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने 7 जनवरी 2023 को मरना गांव में मुद्रिका प्रसाद आदिवासी की हुई हत्या के हत्यारों को पकड़ने की मांग करते हुए कहा है कि हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हें धमकी दी जाती है। हत्यारों को जानते हुए भी पता नहीं पुलिस खामोश क्यों है। इस दौरान अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी और शासन प्रशासन को आड़े हाथों लिया और कहा कि मरना हत्याकांड के आरोपियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो अगस्त क्रांति मंच मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जल्द आंदोलन करेगा। राजनीतिक दबाव पुलिस के लिए अपराध की जांच में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बना हुआ है। मरना हत्याकांड के आरोपियों को पता नहीं लगाने और कोरेक्स जैसे खतरनाक नशे के काले कारोबार में जकड़ रही युवा पीढ़ी तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। आखिर क्यों पुलिस की कार्यवाही से भी लगाम नहीं लग पाती। जनवरी के महीने की 7 तारीख अपने फसल की रखवाली के लिए एक झोपड़ा नुमा बना के जगह और वहाँ एक मुद्रिका प्रसाद आदिवासी ग्राम फुल्हा मरना और मरना में ही रात में उन्हें कुल्हाड़ी से काटा गया। सुबह जैसे जानकारी मिली मैं और जनपद अध्यक्ष नईगढ़ी साथ में ही पुलिस की टीम भी पहुंची थी। बाड़ी वहां से ले आके पंचनामा करके पोस्टमार्टम किया गया और कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आज तक उस घटना का खुलासा नहीं हुआ कि आरोपी कौन है। पीड़ित परिजनों ने माननीय एसपी साहब से और जगह जाके ज्ञापन दिया है, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी आज उस आदिवासी की हत्या का खुलासा ना होना, उसके हत्यारे कौन थे, किन परिस्थितियों में उसे कुल्हाड़ी से काटा गया, इसका क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश है। पीड़ित परिजन कल भी हमारे पास आए थे और प्रतिदिन आते हैं। अधिकारियों से जब बात की जाती तो उनका कहना रहता है कि जो अपराधी है वेरीफाई हो गया है। अगर अपराधी वेरीफाई हो गया है तो वो जेल की सलाखों में ना होके किन परिस्थितियों में बाहर घूम रहा है, आखिर है कौन अगर चिन्हित हो गया है। ये हमारे क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति है। अभी 2 दिन पहले आप सबने ही प्रकाशित किया था कि 2 दंपत्य छत्तीसगढ़ से आ रहे थे अपने रिश्तेदारी में, रास्ते में रिमारी के पास गाड़ी रोक के कनपट्टी पे कट्टा बता के उनका भी झुमका उनका छीना गया। दिन दहाड़े की स्थिति है। परिस्थितियां क्या है अभी आपने एक दर्दनाक घटना सुपोरिया देवी की देखी है, लेकिन ये मुद्रिका आदिवासी जी की जो घटना है वो सरकार जो आदिवासियों के संरक्षण की बात करती है, महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, सिवरी उत्सव करना चाहिए, इसमें सत्ता पक्ष का संरक्षण माना जाए कि अब किसका दबाव है ये तो जांच का विषय है। आप खोजी पत्रकार सब हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन जहां हम प्रचार में इतना खर्च करते हैं इन आदिवासियों को न्याय सुविधा और इन पे हो रहे अत्याचार की रोक के लिए क्या हो रहा है। आखिर मुद्रिका आदिवासी की हत्या पर कोई क्यों नहीं बोलता जब ऐसी घटनाएं होती हैं इन गरीब आदिवासी। अभी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष के बीच में कुछ बातें हुई थी, इसके बाद आपके खिलाफ एक मामला भी कायम हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ, आप जैसे मीडिया के साथी जो रहे होंगे वहाँ रिकॉर्ड किए होंगे, उस दिन मैं नहीं था और जो घटना हुई है वो तो आप सबने देखी है, उस पर मेरा अलग से कुछ कहना नहीं है। आगे क्या हो रहा है कैसे होगा और आपने सबने देखा है कि नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष के चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां हैं, चाहे समिति की गठन रहा हो या क्या रहा हो और किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो महिला सशक्तिकरण की जो बात है सरकार करती है वो बेमानी साबित हो रही है। मामला भी दर्ज हुआ है? हाँ, मामला दर्ज हुआ है। किस मुद्दे पर? प्रायोजित तरीके से जो मैं कोरेक्स के गांजा की, अब ये बताइए कि मैं मुद्रिका आदिवासी के हत्यारों के पकड़ने के लिए आंदोलन करूंगा
आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, हो सकता है कोई ताकतवर ऐसा हो जो नहीं चाहता हो कि मुद्रिका आदिवासी के हत्यारे पकड़े जाएं, तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज ही कराएगा। तो ये तरह से ये आपका दमन देखिए करने का प्रयास है। अंग्रेजों ने जितना दमन किया था फिर भी हमारे क्रांतिकारी उससे लड़े, और मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पौत्र हूँ और उसके प्रमाण पत्र भी मेरे पास हैं। अगर कोई प्रमाण पत्र चाहता है तो रजिस्टर्ड मेरे पास प्रमाण पत्र है। उसके भाई तो यही बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जिस ढंग से चल रहा है तो आपको दमन मतलब दबाने और कुचलने के लिए आप तो सनातन को भी मानते हैं। सनातन धर्म में जो धर्म के ध्वजावाहक होते थे उनकी हड्डियों का ढेर राक्षस लगा देते थे, चाहे खरदूषण रहे हों, त्रिशिरा रहे हों, ताड़का रही हो, फिर भी संतों ने यज्ञ नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने कई तरह का दमन किया लेकिन महान क्रांतिकारियों ने क्रांति नहीं छोड़ी। इस तरह से नशा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हमारी है, अपराध के खिलाफ जो लड़ाई है, अंतिम सांस जब मेरे शरीर में अंतिम सांस रहेगी, जैसे भगत सिंह को फांसी पे लटकाया जा रहा था तब भी उन्होंने जय हिंद और इंकलाब नहीं छोड़ा था, उस तरह से मैं और मेरे जो साथी हैं इंकलाब नहीं छोड़ेंगे।